हेलो गाइस, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके में स्वागत है। सो आज मैं हूं अंजलि नामदेव एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर मिल सके। तो हम आज पढ़ेंगे एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेट्रोलॉजी के हमारे 300 क्वेश्चन हैं जिसमें से कि हमारे 300 क्वेश्चन हैं हम उनको 100 क्वेश्चन इन अ वीडियो पर एक लेक्चर में एक थ्री पार्ट्स में 300 क्वेश्चंस को दिए जाएंगे, जिसमें हम 100 क्वेश्चन एक पार्ट में दिया जाएगा और बाकी के दो पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा। सो ये वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। सो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द लेयर ऑफ ओजोन इज प्रेजेंट इन, जो ओजोन की लेयर होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। नंबर ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स इन यूपी, यूपी में एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं हमारे, 7। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन एग्रोक्लाइमेटिक रीजन ऑफ द होल कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू, प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग एग्रोक्लाइमेटिक रीजन को हमारी कंट्री में कितने पार्ट में कितने एग्रोक्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया है, तो वो कितने किए हैं, 15 में। 15 एग्रोक्लाइमेटिक रीजन है हमारी कंट्री को डिवाइड किया है। मूवमेंट ऑफ एयर अकर्स इन द एटमोसफेयर अप टू हाइट ऑफ, मतलब जो हमारी एयर का मूवमेंट होता है एटमोसफेयर में वो कितनी हाइट तक होता है, तो वो होता है 10 किलोमीटर तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीजेज इज कॉल्ड लैप्स रेट, जो वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज होता है उसको हम लैप्स रेट बोलते हैं और जो नॉर्मल लैप्स रेट होती है वो कितनी होती है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड किलोमीटर। द प्रोसेस बाय विच अ क्लाउड ड्रॉपलेट फर्स्ट फॉर्म इज कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 7 इज क्लाउड्स आर क्लासीफाइड एंड नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर लैटिट्यूड एंड फॉर्म ऑफ अपियरेंस। क्वेश्चन नंबर 8 कुमुलस क्लाउड इज रिकॉग्नाइज मेनली बाय इट्स ऑब्वियस वर्टिकल डायमेंशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन हमारा ये है द अप्रॉक्सीमेट लाइफ टाइम ऑफ आ वेव साइक्लोन इज, जो वेव साइक्लोन की अप्रॉक्सीमेट लाइफ टाइम होती है वो आ फ्यू डे टू आ वीक। आ टॉर्नेडो इज अ स्मॉल टॉर्नेडो, एक स्मॉल है वेरी इंटेंस एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये, साइक्लोन का। क्वेश्चन नंबर 11 इज टॉर्नेडोज मोस्ट ऑफन मूव टूवर्ड्स व्हाट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में। व्हाट टाइप ऑफ क्लाउड इज मोस्ट कॉमन इन अ हुरिकेन, कुमुलोनिम्बस ये आपका क्लाउड है, मोस्ट कॉमन क्लाउड है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, तो व्हाट कॉजेज द विंड ऑफ अ हुरिकेन टू बी सो फास्ट, क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, द वर्टिकल मोशंस दैट अकर व्हेन द एयर इज अनस्टेबल आर टर्म्ड एज कन्वेक्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज द स्टेबिलिटी ऑफ एन एयर लेयर रिफर्स टू इट्स टेंडेंसी टू आइदर सस्टेन और सप्रेस वर्टिकल मोशंस। क्वेश्चन नंबर 16 इज हाई क्लाउड स्टॉप्स जनरली आर लिमिटेड बाय द हाइट ऑफ द ट्रोपोपोज। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इज जो हमारा लेटेंट टर्म है वो किस, उसका मतलब क्या होता है, लेटेंट मीन्स होता है हिडन, छिपा हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 एनर्जी ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज काइनेटिक एनर्जी, जो गति की मतलब ऊर्जा जो गति अवस्था में होती है उसको हम क्या कह देते हैं, काइनेटिक एनर्जी या गतिक ऊर्जा कहते हैं। एन इंक्रीज इन एल्बेडो वुड बी एकॉम्पनाइड बाय फिल इन द ब्लैंक्स इन रेडिएटिव इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, डिक्रीज इन रेडिएटिव इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 20 इज चार्ज्ड पार्टिकल फ्रॉम द सन दैट ट्रेवल थ्रू स्पेस एट हाई स्पीड्स आर कॉल्ड सोलर विंड, मतलब कि जो चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं वो सन से ट्रेवल करते हैं एक हाई स्पीड में, उसको हम क्या कह देते हैं, सोलर विंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 इज सनलाइट पासिस थ्रू अ थिकर पोर्शन ऑफ द एटमोसफियर एट, मतलब जो सनलाइट है वो पास होती है थिकर पोर्शन एटमोसफियर से वो सनराइज एंड सनसेट में। क्वेश्चन नंबर 22 इज द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर
कंपेयर टू दैट रिक्वायर्ड फॉर सेचुरेशन इज द, जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं एयर के कंपेयर्ड में सेचुरेशन में, उसको हम क्या कह देते हैं, आंसर इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. क्वेश्चन नंबर 23 इज द नेम गिवन टू अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ ड्यू दैट फ्रीजेज व्हेन द एयर टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो फ्रीजिंग इज. जब फ्रोजन जो एयर टेम्परेचर रहता है वो फ्रीजिंग से कम होता है उसको हम क्या कह देते हैं, फ्रोजन ड्यू कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 24 इज अ डिम वॉटरी सन विजिबल थ्रू अ ग्रे सीट लाइक क्लाउड लेयर इज ऑफन अ गुड इंडिकेशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स एल्टो स्ट्रेटस क्लाउड कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम 25 क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या है द यूनिट ऑफ प्रेशर, जो प्रेशर का यूनिट है वो क्या है, मोस्ट कॉमनली फाउंड ऑन सरफेस वेदर मैप में फाइंड किया जाता है वो क्या है, मिली बार है एक तो या तो हेक्टो पास्कल है. क्वेश्चन नंबर 26 इज द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कॉन्टैक्ट इज, जब हीट का ट्रांसफर मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर 27 इज द कंबाइंड एल्बिडो ऑफ द अर्थ एंड द एटमोसफियर इज अप्रॉक्सीमेटली कितने परसेंट होती है, 30% होती है. क्वेश्चन नंबर 28 इज विच क्लाउड टाइप मूड मोस्ट लाइकली फ्रॉम इन एब्सोल्यूटली स्टेबल एयर स्टेटस. फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 29 क्वेश्चन है विच क्लाउड टाइप वुड मोस्ट लाइकली फॉर्म इन एन अनस्टेबल एटमोसफियर, कौन सा जो क्या कहते हैं क्लाउड का टाइप है जो कि लाइकली एक अनस्टेबल एटमोसफियर से रहता है, तो क्या है, कुमिलोनिम्बस एक क्लाउड है इसका आंसर है. 30 की बात करेंगे 30th question की इफ रेन फॉल्स ऑन वन साइड ऑफ अ स्ट्रीट, यदि किसी गली में एक साइड बरसात हो रही है एंड नॉट ऑन द अदर साइड और दूसरे साइड बरसात नहीं हो रही है, द रेन मोस्ट लाइकली फेल फ्रॉम अ कुमुलोनिम्बस क्लाउड से ये होता है. क्वेश्चन नंबर 31 इज द रेट ऑफ द अर्थ रोटेशन, जो अर्थ रोटेशन की रेट है वो डिटरमाइंस की जाती है द स्ट्रेंथ ऑफ कोरियोलिस फोर्स से. क्वेश्चन नंबर 32 इज फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट वॉज लॉन्च इन द ईयर 1960, जो फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है वो कब किस ईयर में लॉन्च किया गया था, वो है 1960 में. फिर क्वेश्चन नंबर 33 इज यूनिट ऑफ विंड, जो विंड का यूनिट है वो क्या होता है, विंड का यूनिट होता है नॉट, क्या होता है नॉट. यूनिट ऑफ प्रेशर इज, जो प्रेशर का यूनिट होता है वो क्या होता है, मिली बार. फिर क्वेश्चन नंबर 35 इज द कप एनीमोमीटर रोटेट्स, जो कप है एनीमोमीटर का वो किस साइड रोटेट होता है, किस डायरेक्शन में रोटेट होता है, वेस्ट टू ईस्ट में डायरेक्शन में वो मूव होता है. फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 इज क्वांटम सेंसर्स यूज टू मीज़र, जो क्वांटम सेंसर का हम यूज़ करते हैं वो किसके मीज़र के लिए करते हैं, उसका यूज़ करते हैं PAR, इसका फुल फॉर्म होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. क्वेश्चन नंबर 37 इज एवोपोट्रांसपिरेशन इज मीजर्ड यूजिंग, एवोपोट्रांसपिरेशन जो होता है उसको कैसे मीजर्ड किया जाता है, लाइसीमीटर से इसको मीजर किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 38 इज द लाइन जॉइनिंग द प्लेस इज हैविंग इक्वल टेम्परेचर इज कॉल्ड, हम क्या कह रहा है, जो लाइन है जो जॉइन करती है इक्वल टेम्परेचर को उसको हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर 39 इज द लाइन जॉइनिंग द प्लेस हैविंग इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लाइन जॉइन करती है उसको हम क्या कहते हैं, आइसोबार बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 40 इज द लाइन जॉइनिंग द प्लेस हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल उसको हम कहते हैं आइसोहाइट, ये आपके टेम्परेचर को जो लाइन जॉइन करती है, एटमोसफेयर को लाइन जॉइन करती है और रेनफॉल को. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41 इज एवोपरेशन इज मीजर्ड बाय, एवोपरेशन को किससे मीज़र किया जाता है, USWB से, ओपन पैन एवोपरीमीटर से हम एवोपरेशन को मीज़र करते हैं. हम क्वेश्चन नंबर 42 इज USWP स्टैंड्स फॉर किस, कैसे स्टैंड्स होता है, यू दैट मीन्स यूनाइटेड, एस मीन्स स्टेट्स, डब्ल्यू मीन्स वेदर और वी मतलब कि ब्यूरो, यूनाइटेड स्टेट्स वेदर ब्यूरो.
फिर क्वेश्चन नंबर 43 इज हियर हाइग्रोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजर्ड ऑफ, मतलब हाइग्रोग्राफ का इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम किसके लिए मेजरमेंट में करते हैं, तो आंसर इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम लोग हियर हाइग्रोग्राफ का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 इज सेंसर यूज इन क्वांटम सेंसर इज फोटो डायोड। क्वेश्चन नंबर 45 सेंसर यूज इन एल्विडोमीटर इज थर्मोपाइल। NCMRWE स्टैंड फॉर एन, दैट मीन्स नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 47 IMW stands for Indian Meteorological Department. IMW was established, मतलब कि जो IMW है वो कब established हुआ था, 1875 में। WMO stands for World Meteorological Organization. WMO was formed in 1950. Indian Standard Time IST is calculated from the longitude of Allahabad. क्वेश्चन नंबर 52 इज लॉन्गिट्यूड ऑफ इलाहाबाद इज 82.50 ई। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 लोकल टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोलर टाइम। जो लोकल टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोलर टाइम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 इज फिल इन द ब्लैंक्स इज कॉल्ड एज अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ। किस लेयर को या किसको हम अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ कहते हैं, ओजोनोस्फेयर को हम अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 इज द ओजोन लेयर वॉज डिस्कवर्ड इन 1933 बाय द फ्रेंच फिजिस्ट। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ओजोन लेयर है वो किस डिस्कवर हुई थी 1913 में, लेकिन किस फ्रेंच फिजिस्ट से, तो चार्ल्स फैब्री एंड हेनरी बुइसन से इन्होंने, ये फिजिस्ट थे, फ्रेंच फिजिस्ट थे जिन्होंने ओजोन लेयर को डिस्कवर किया। फिर टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर हैज़ बीन कैलकुलेटेड एज अबाउट 56 × 1014 t। क्वेश्चन नंबर 57 इज वाटर वेपर कंट्रोल्स टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर। वाटर वेपर क्या कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर करते हैं कंट्रोल को एटमोसफेयर के। ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू रे लाई स्कैटरिंग। जो ब्लू कलर स्काई में होता है वो किसके कारण होता है, रे लाई स्कैटरिंग के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 59 इज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज ऑब्लेट एलिप्सॉइड होता है। इसका स्ट्रक्चर अर्थ का, द रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम एट इक्वेटर में, बहुत मैक्सिमम होती है रोटेशनल स्पीड अर्थ की। द लॉन्गेस्ट डे ऑफ नॉर्थन हेमिस्फीयर, जो नॉर्थन हेमिस्फीयर का जो डे सबसे ज़्यादा लंबा दिन होता है वो कौन सा होता है, 21 जून बहुत ज़्यादा लंबा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है। द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज 22 दिसंबर बहुत बड़ा दिन होता है, शॉर्ट डे होता है, छोटा दिन होता है। 63 क्वेश्चन इज इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज नोन एज, जो सोलर रेडिएशन इनकमिंग है उसको हम क्या कह देते हैं, आइस इंसोलेशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 इज द इमेजनरी लाइन जॉइनिंग द प्लेस हैविंग इक्वल ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन आवर इज नोन एज आइसोहेल। द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट, जो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1398 वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 66 इज द रेडिएशन विच लाइज इन वेवलेंथ रेंज फ्रॉम 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम इज नोन एज विजिबल रेडिएशन ऑफ विजिबल लाइट। क्वेश्चन नंबर 67 इज एल्बेडो ऑफ डिजर्ट इज, जो एल्बेडो ऑफ डिजर्ट है वो कितना होता है, 28%। एल्बेडो ऑफ फ्रेश स्नो इज 80 to 85%। एल्बेडो ऑफ वाटर इज 6 to 9%। क्वेश्चन नंबर 70 इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन को मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है, पेजियोमीटर। फिर 71 पायरेनोमीटर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन। पायरेनोमीटर का यूज़ हम किस मेजरमेंट के लिए करते हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 इज
द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी इज, जो इंस्ट्रूमेंट का यूज लाइट इंटेंसिटी के लिए करते हैं उसको हम बोलते हैं लक्स मीटर. ITCZ स्टैंड फॉर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोला जाता है. 674 इज हॉरिजोंटल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड. जो मूवमेंट एयर का मूवमेंट हॉरिजोंटल होता है तो उसे हम बोलते हैं विंड. वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज एयर करंट. द ट्रेड विंड्स बेल्ट लाइट बिटवीन 50 to 300 लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर. फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 इज द बेल्ट ऑफ वेस्टर लाइज बिटवीन 300 to 600 लैटिट्यूड इन ईच हेमिस्फीयर. क्वेश्चन नंबर 78 इज द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू हाई प्रेशर एरियाज एंड टू लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड कोल्ड. फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे 79 इज फिल इन द ब्लैंक्स इज कॉल्ड एज वैली ऑफ लो प्रेशर ट्रॉफ. फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 80 का द डायरेक्शन ऑफ विंड्स डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट. जो विंड का डायरेक्शन होता है वो कैसा डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, प्रेशर ग्रेडियंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है. बोथ विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन इज मेजर्ड यूजिंग एरो वेन. जो विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन को मेजर किससे किया जाता है, एरो वेन से किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 82 इज द लाइन ऑन वेदर मैप विच जॉइंस द प्लेसेस हैविंग इक्वल विंड स्पीड इज नोन एज आइसोटेक. फिर क्वेश्चन नंबर 83 इज फिल इन द ब्लैंक्स स्टेट इज कॉल्ड एज गेटवे ऑफ इंडिया मानसून. कौन सा स्टेट है जिसको हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया मानसून के नाम से जाना जाता है, कौन सा स्टेट है वो, केरला. फिर फिल इन द ब्लैंक्स स्टेट रिसीव्स मोस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट माउंटेन मानसून. तो ये क्या आ जाएगा, तमिलनाडु जो स्टेट है वो रिसीव करता है बहुत ज़्यादा मानसून को ड्यूरिंग रेनफॉल ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून से. फिर 85 जो क्वेश्चन है द प्रेजेंट लेवल ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंट लेवल है वो कितना है, 350 ppm. फिर 86 क्वेश्चन है द टर्म एसिड रेन, जो एसिड रेन का जो टर्म है वॉज कॉइंड इन कब कॉइंड हुआ था, 1872 को कॉइंड किया गया था लेकिन किसके द्वारा, बाय रॉबर्ट एंगस स्मिथ के थ्रू. फिर क्वेश्चन नंबर 87 इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज कितना है, 1.0 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड. 88 क्वेश्चन है ड्राई एजिएबेटिक लैप्सरेट पर किलोमीटर इज 110 डिग्री सेंटीग्रेड. फिर हम बात करेंगे कि वेट एडिएबेटिक लैप्सरेट ऑफ टेम्परेचर पर किलोमीटर इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड. फिर 90 क्वेश्चन जो है वो है समर मानसून ओवर इंडिया इज नोन एज साउथ वेस्ट मानसून. जो समर मानसून है पूरे इंडिया में क्या कहा जाता है, साउथ वेस्ट मानसून. द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द क्रॉप, जो मोस्ट क्रॉप्स हैं उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, 10 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, तो परसेंटेज से एक्सप्रेस किया जाता है. द मीन हाइट ऑफ साइरस क्लाउड इज 4 to 6 किलोमीटर होती है साइरस क्लाउड की हाइट. 94th क्वेश्चन की बात करेंगे तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर, मतलब कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहाँ पे ज़्यादा रहती है, इक्वेटर में रहती सबसे ज़्यादा. 95th क्वेश्चन इज टेम्परेचर इन्वर्सन इज फाउंड इन, जो टेम्परेचर इन्वर्सन होता है वो कहाँ फाउंड किया जाता है, विंटर सीजन में. 96th क्वेश्चन फॉर अ वाइट बॉडी द एमिसिविटी एंड एब्जॉर्बिटी इज 0. फिर क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो फ्रॉस्ट अकर्स व्हेन द ड्यू पॉइंट इज बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, तो फ्रॉस्ट वहाँ पे होता है. विजिबल रेंज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, मतलब PAR की जो विजिबल रेंज होती है वो एक्सटेंड्स बिटवीन 400 to 700 नैनोमीटर के बीच में होती है. 99th क्वेश्चन इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज, स्पेसिफिक हीट होता है वो कितना होता है, 4.2 × 103 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड. 100th क्वेश्चन इज एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड
क्लाइमेट कहा जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं होगा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया होगा कि आपको यहाँ से पूरा कोई डाउट हो या कुछ भी आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप की लिंक दी होगी, जिसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर सकते हैं और उसमें आप अपने कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। सो हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है और आप नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक यू।